नमस्कार दोस्तों, आज हम आटे के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम गुड़, गोंद थोड़ी सी, 1 कप कोकोनट, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और आधा कप घी चाहिए तलने के लिए, और 1 कटोरी आटा। हम गैस ऑन करेंगे और इसमें घी डालेंगे। ये लड्डू घी से ही बनते हैं, मिक्स तेल से बनाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, घी के ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसमें घी डालेंगे। अब इसमें हम पहले, घी गर्म हो चुका है, हम इसमें गुड़ को तलेंगे। हम तलेंगे अच्छे से, ये देखिए अच्छी फूल रही है, तो बराबर से चलाते जाएंगे। हम धीमी आंच पे इसको पका लिए हैं और इसको निकाल लेंगे। ये हमारी गोद तैयार हो गई है, ये देखिए फूल गई है बढ़िया। अब हम थोड़े से घी और डालेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे। अब हमने जो बादाम लिया था थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हम बादाम डालेंगे। हमारे बादाम हो जाए, घी में तलने के बाद इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमारे बादाम हो चुके हैं, हमने इसको धीमी आंच में पकाया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा बादाम पक चुका है, डालेंगे किशमिश, इसको भी अच्छा पका देंगे थोड़ा सा धीमी आंच पे। गैस को बंद कर दिए हैं, ये हमारी किशमिश हो चुकी है, देखिए कितनी सुंदर फूल गई है, ये अच्छी दिख रही है, हमारी पक गई है। बादाम और किशमिश पक चुकी है, अब थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, ऐसे घी इसमें ज्यादा लगता है पर हमारे ये बचा हुआ घी था इसलिए हम घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना आटा, डालेंगे और इसको अच्छे से बढ़िया चलाएंगे। इसमें घी ज्यादा लगता है, इसे थोड़ा सा घी ज्यादा डालें और देसी घी ही डालें। मैं तो घर का बना हुआ घी डाल रही हूँ, आप बाजार का भी डाल सकती हैं, बाजार में भी मिलता है देसी घी, वो भी डाल सकते हैं, पर घी से ही अच्छे लगते हैं, तेल से नहीं अच्छे लगेंगे। ये हमारा आटा हम सेक रहे हैं, इसको थोड़ा सा और लाल होने देंगे, बिना सेके हुए नहीं बनेगा लड्डू, नहीं अच्छा लगेगा वो। ये हमारा आटा हो चुका है, लाल हो गया है, और हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसको आसानी से निकाल देंगे अच्छे से। गैस ऑन करेंगे और थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे चम्मच, और हम इसमें डालेंगे अपना गुड़ जो हमने फेंट करके रखा था, वो गुड़ डालेंगे। धीमी आंच पे इसको रख देंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हल्का पानी ऐड कर रहे हैं इसमें ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे बराबर से चलाएंगे जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए, जब तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ये हो रहा है, हमारा मेल्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा और बचा है, धीमी आंच पे हम इसको चला रहे हैं। हमारा गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है, तैयार हो गया है मिश्रण, अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें आटा डाल रहे हैं
जो बादाम हमने जो मिक्सर में पीस करके रख लिया था वो डाल रहे हैं, और ये किशमिश जो हमने तल करके रखी हुई थी, वो गोंद जो हमने पीस करके रख लिया था मिक्सर में वो डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे नारियल, जो 1 कप लिया हुआ था नारियल वो डाल रहे हैं। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे बराबर से, कि हमारा मिश्रण मिल गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़, ये हमने गुड़ डाल दिया इसमें, ये हम बराबर से मिलाते जाएंगे इस तरीके से, ताकि बराबर से मिल जाए, इसमें दाने बिल्कुल ना रहे। पूरे अच्छे से मिला दीजिए, बराबर से मिला दीजिएगा, ध्यान रखिए कि इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। अब ये अच्छे से मिल गया है, ये इस तरीके से मिल गया है अच्छे से। अब हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है, पूरा रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अब हम पानी लगा करके हाथ में ये लड्डू बना रहे हैं। ये देखिए लड्डू बन रहा है, ये गरम गरम ही बनते हैं, ठंडे होने के बाद ये नहीं बनते हैं, इसलिए इसे गरम गरम ही बांधिए जल्दी जल्दी। हाँ इस तरीके से ये देखिए अच्छे लड्डू बन रहे हैं।